हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी, जो कि आप किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हो। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है और इसे आप लोग स्टोर भी कर सकते हो 1 से 2 महीने के लिए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया गुड़, ये मैंने देसी गुड़ लिया है और इसका वेट 250 ग्राम है। इसको मैंने तोड़ लिया और इसे हम भिगो देंगे पानी के अंदर और इसे ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब मैंने एक बाउल के अंदर लिया इमली, जिसका वेट 100 ग्राम है, और इसको भी हम पानी डाल के भीगने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आप लोग बिना गुठली वाली इमली भी यूज़ कर सकते हो। आधे घंटे के बाद हमारी जो इमली है वो गल गई है और फूल गई है। इनको हम अपने हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसका पल्प इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, हाथों से मलने से जो गुठलियाँ हैं वो अलग हो गई हैं और पल्प इकट्ठा हो गया है। इस इमली के पल्प को हम स्ट्रेन कर लेंगे एक स्ट्रेनर में। इस तरह से दबा दबा के हम सारा जूस नीचे इकट्ठा कर देंगे। अब हम गुड़ को देखेंगे, गुड़ भी हमारा जो है मेल्ट हो गया है। गुड़ में थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसको हम अगर डिप करके रखते हैं तो जो हमारा प्योर गुड़ है वो मेल्ट हो जाता है और जो इम्प्योर होता है वो नीचे बैठ जाता है। इस तरह से इसे भी हम छान लेंगे अच्छी तरह, और जो हमारा गुड़ मेल्ट नहीं हुआ इसको हम चम्मच से दबा दबा के मेल्ट कर लेंगे। बचा हुआ गुड़ हम फेंक देंगे। अब गुड़ के पानी को हम डालेंगे एक कढ़ाई के अंदर और इसे बॉयल करेंगे 1 से 2 बॉयल आने तक। से 2 बॉयल आने के बाद इसमें डालेंगे हम इमली का पल्प। इसे डालने के बाद भी हम 1 से 2 बॉयल आने तक पकाएंगे। बॉयल करते हुए आप ये ध्यान रखें कि जो हमने बर्तन लेना है थोड़ा बड़ा लेना है, क्योंकि जब इसको हम बॉयल करते हैं तो ये काफ़ी फूल जाती है। और इसमें हम डालेंगे अब 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/4 चम्मच हींग। इससे भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और 1 चम्मच सौंफ। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और इसे लगभग हम 10 मिनट तक फुल फ्लेम पे ऐसे ही पकाएंगे। धीरे धीरे ये जो हमारी चटनी है वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। इसमें डालेंगे हम फूड कलर। मैं इसमें रेड कलर डाल रही हूँ उसके अच्छे कलर के लिए, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ये जो हमारी चटनी है इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्न स्टार्च का यूज़ करेंगे। मैंने 1 चम्मच के अंदर 1 टेबलस्पून पानी डाला है और इसकी हम एक स्लरी तैयार कर लेंगे। इसको हमने बहुत धीरे धीरे डालना है और साथ साथ करछी से हमने चटनी को हिलाते जाना है। बहुत ध्यान से डालें इसको और करछी से लगातार हिलाते रहें ताकि कि इसकी गुठलियाँ ना बने।
10 मिनट के लिए इसे हम फिर से फुल फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए हमारी जो चटनी है वो गाढ़ी हो गई है। इस तरह से हमारी गुड़ की चटनी हो गई है तैयार। इसमें डालेंगे अब हम किशमिश और गैस को कर देंगे हम बंद। थोड़ी देर के बाद जो हमारी किशमिश है वो अपने आप फूल जाएंगी और इसे आप सर्व करें ठंडा होने पे। ठंडा होने के बाद थोड़ी ये हमारी जो चटनी है थिक हो जाती है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी बन जाती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।